मेहनत से मोहब्बत कर लो तो दुनिया भी आपसे मोहब्बत करने लगेगी। जी हाँ, आपको लाइफ में कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस आप अपनी मेहनत से मोहब्बत करिए, दुनिया आपकी ऐसे ही कायल हो जाए। ठीक है, चलिए इसी मोटिवेशन के साथ जो है हम आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस चालू करते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का। ये जो न्यूज है, हमें कल हमने वैसे भी चेक किया था, तो जो ये हमारे शरद पवार है, उन्होंने कुछ लोगों को क्या किया, पार्टी से निकालने की बात। तो उसी पे ये बात चल रही है कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। द रीजन बीइंग उनका, अजीत पवार का कहना है कि देखिए सर, बात क्या है कि हमारे पास जो है मेजोरिटी ऑफ MLA है, तो आप जो है हमें डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए एक पार्टी है जिसमें आपके पास 100 लोग है, ठीक है, एक 100 लोग है जो कि जीत के आपके MLA बने आपकी पार्टी के। ठीक है, अब अगर इसमें से 2/3 मीन्स अराउंड 66%, अगर 67 जो है, अगर 67 आपके पास है आपके पार्टी के पास, तो ऐसे में इसे ये नहीं कहा जाएगा कि एंटी डिफेक्शन है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा कि यहाँ पे धोखा देके आप जा रहे हो किसी और पार्टी में, क्योंकि मेजोरिटी की अगर सोच किसी और पार्टी की सोच से मिल रही है, तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता कि पूरी पार्टी ही बेनिफिट के लिए चली जाएगी। ठीक है, बट एक या दो इंसान करे तब वो चीज मानी जाती है। तो अब यहाँ पे क्या कहना था शरद पवार का कि ठीक है, आपने जो एनसीपी की जो एनसीपी जो है उसका फ्लैग, देखिए हर पार्टी का एक फ्लैग होता है, जैसे कि बीजेपी का कमल है, आपका कांग्रेस का पंजा है, ठीक है, वैसे ही इनका भी एक फ्लैग है। तो अब इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमारी पार्टी है, तो हम आपसे चुनाव चिन्ह जो है वो हम वापस ले लेंगे। इसी पे बोलना है अजीत पवार का, नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है मेजोरिटी ऑफ पीपल है। जब हमने पार्टी ही डिसॉल्व नहीं की, या हम कोई दो चार लोग मिलकर एक अलग पार्टी थोड़ी बना रहे हैं, हम तो उसी पार्टी में, अभी आप माइनॉरिटी में रह रहे हैं कि जो आप हमारे साथ नहीं है, समझे? तो ये इसी पे बात चल रही है। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, अब ये देखिए, ये एक ऐसा इश्यू है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को बोला है कि आप हमें ये बताएं कि आप एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्च करते हैं। अब इसका रीजन क्यों है? आपका रीजन ये है, ऐसा कुछ नहीं कोई किसी के पीछे। अपेक्स कोर्ट ने बोला कि आप जो है रेलवे ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट RRTS जो है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर जो है दिल्ली गवर्नमेंट फंड करे। ठीक है, उस पर दिल्ली गवर्नमेंट फंड करे। आप अगर फंडिंग की बात की जाए तो आपको वहां पे क्या है, कुछ खर्च करना है। ऑब्वियस ही बात है कि गवर्नमेंट जो है वो उनका काम होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को कि आप जो है इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू करवाएं। तो अब इस पर क्या हुआ कि इनका बोलना था केजरीवाल का कि नहीं, हमारे पास तो फंड ही नहीं है क्योंकि GST कंपनसेशन नहीं दिया गया है। अब देखिए, कोई भी चीज के लिए अगर फंडिंग पहले से रहती है, मान लीजिए कि अगर हम इतने टाइम बाद ये चीज शुरू करेंगे, अगर शुरू नहीं की गई तो फिर वहां पे क्या होता है कि कोर्ट आती है, कोर्ट वहां पे चिल्लाती है, ठीक है, हथौड़ा मारती है कि आपने क्यों नहीं शुरू किया, आप शुरू करो। तो ये पहले से डिसाइड होता है, सब कुछ पहले से ही रहता है। अब एकदम से कोई बात में बोल दे कि नहीं मेरे पास तो फंड ही नहीं, बट उस समय तो फंड एलोकेट था ना उस चीज के लिए, तो बात ये होती है कि उस समय तो एलोकेट था। तो अब अगर वो एलोकेट फंड था कि ठीक है, अगर आपको मान लीजिए GST नहीं भी दिया गया होगा कंपनसेशन, वो तो एक अलग मुद्दा बन जाता है, चलिए मान लिया नहीं दिया हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो तो प्रॉपर हमें भी पता है कि पैसा किस तरीके से IGST SGST और किस तरीके से पैसा जाता है। लेकिन एक एज्यूम भी कर लेते कि नहीं गया होगा, तो आप वो जो फंड था वो फंड कहाँ चला गया सर? इसी पे कहा कि चलो मान लीजिए कि आपने बोला कि हमारे पास फंड नहीं है, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम कहीं और से फंड ला के देंगे आपको। मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई हम सेंटर को कहेंगे, कहीं और को कहेंगे कि आपको फंड दे, बट वो बाकी जो उस काम के लिए फंड नहीं है, तो वो फंड गया कहाँ? आपने कहाँ कहाँ खर्च किया, आप पूरे पैसों का ब्यौरा दें, और उसमें आप ये भी ब्यौरा दें, ये देखिए इतने बड़े बड़े बैनर के साथ कितना कॉस्ट लगता होगा, कम से कम ये 2 लाख रुपीज के अराउंड पर मंथ इसका खर्च है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का कम से कम, ज्यादा ही होगा। तो इतना ये सब जो आपने किया है, तो उनका वही पूछना है कि इफ यू से यू हैव नो फंड फॉर दिस प्रोजेक्ट,
वी विल डाइवर्ट फंड। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम डाइवर्ट करेंगे आपके पास फंड, बट लेट अस सी हाउ मच यू स्पेंड ऑन अदर प्रोजेक्ट। आपने बाकी जगह क्या किया, लाइक एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ किया है क्या, या फिर बाकी, या फिर सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट पे ही आपने पूरा पैसा लगा दिया है। ठीक है, तो ये चीज, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा गलत हो जाता है कि आपने पब्लिक का पैसा अपने पर्सनल फेस वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपने यूटिलाइज कर लिया, तो दैट इज वेरी मच अनएथिकल। ठीक है, वरना सारे प्रोजेक्ट्स रोक दिए और पब्लिक के पैसों के साथ यही कर रहे हैं। अब वो एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं तो हो सकता है कि भाई आप अपने पॉकेट में ही पैसा भर रहे हो, ऐसे करप्शन की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो उनके यहाँ पे सीएम थे, डिप्टी सीएम सिसोदिया, अब उनकी जो बेल है उनको नजरअंदाज कर दिया गया है। मतलब जो है हाई कोर्ट ने मना कर दिया है। क्यों मना किया है, क्योंकि उनका बोलना है कुछ सीरियस चार्जेस है, इस सीरियस चार्जेस के लिए हम नहीं देंगे। अब वो चार्जेस क्या है नहीं है वो हम बाद में देखेंगे जब ये प्रूफ हो जाए। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है, ऐसा नहीं है कि हर कोई चाहे तो जाके वहां पे बेल ले ही सकता है। तो बेल देने के लिए कुछ कंडीशंस देखी जाती है, कुछ छोटा मोटा इश्यूज हो ऐसे हो तो बेल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पे वही चीज बोली जा रही है कि सीएम यूजेस पब्लिक फंड टू गेट अ फेस लिफ्ट, अपने फेस वैल्यू को बढ़ाने के लिए आप पब्लिक फंड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। आगे ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है कि कनवर यात्रा जो है वो स्टार्ट हुई है। अब ये यात्रा क्या होती है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, इसमें कितने लोग जा रहे हैं, 20 लाख लोग जो है यहां से क्रॉस करेंगे आपके दिल्ली होते हुए और बाकी एरिया से, तो वहीं पे जो है उनकी ट्रैफिक पुलिस को बोला गया है। ठीक है, तो 20 लाख के अराउंड जो है लोग यहाँ पर रहे, काफी पीसफुली रहता है हर बार, तो होप सो इस बार भी पीसफुली रहेगा ये। चलिए आगे देखते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी न्यूज है कि देखिए, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट्स अप्रूव प्लान फॉर अलॉटमेंट ऑफ लैंड टू द लैंडलेस। वहां पे जो लैंडलेस जो लोग हैं अब उनको लैंड मिलने लगेगी। पहले तो हमें वैसे ही पता है कि अगर आप दूसरे स्टेट के थे तो वहां पे लैंड नहीं ले सकते थे, बट अब आप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो स्क्रैप हो गया आपका 35A और 370 आर्टिकल। लेकिन जो लैंडलेस बहुत सारे जो कश्मीरी पंडित लोग थे जिनका परसिक्यूशन हुआ था, है ना, जिन्हें मार दिया गया था वहां पे और भगा दिया गया था वहां से, कि वहां पे लाइक सिर्फ इस्लाम जो कबूल किए हुए हैं लोग वही रहेंगे। तो यही एक चीज है कि जो बहुत गलत है और अभी तक उनपे न्याय नहीं हुआ था, बट फाइनली 2 डिकेड के बाद अब उनको जो ऐसे जो लैंडलेस लोग हैं अब उन्हें घर मिल रहा है। ठीक है, तो यही बोलना है कि दिस हिस्टोरिक डिसीजन विल प्रूव टू बी अ गोल्डन चैप्टर इन द एफर्ट्स बाय आवर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सोशल जस्टिस एंड इक्वेलिटी फॉर ऑल। सही बात, जब हम इक्वेलिटी की बात करते हैं तो सोचने वाली बात है ना सर, इस पे तो मेंस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री में भी। क्या ये सही है कि देखिए जम्मू एंड कश्मीर में अराउंड 60 to 70% मुस्लिम है, बट उनको माइनॉरिटी बेनिफिट मिलता है, बट वहां के जो कश्मीरी पंडित हैं उनको नहीं मिलता, जो बाकी भी जो हिंदू लोग हैं उनको नहीं मिलता, बाकी जो वहां पे आप, तो क्योंकि सिर्फ हिंदू में इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी सब तो माइनॉरिटी में आ जाते हैं, बुद्धिस्ट रहे आपके, जैन रहे, पारसी रहे, लेकिन और वैसे ही जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो मतलब कि क्रिश्चियनिटी मान रहे हैं, जो कि वहां पे काफी कन्वर्जन वगैरह हुआ है ट्राइबल्स में, और वहां पे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे 2 to 5% या 2% हिंदू है। अब एक बात बताइए, अगर सिर्फ 2% है तो क्या उनका वहां पे कल्चर अपना बचाना, वो राइट्स उनके हक नहीं है? बिल्कुल है, बट वहां पे उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलता, ना रिजर्वेशन का ना किसी चीज। ओके, मतलब आप 98% वाले हैं, आप माइनॉरिटी हैं, मतलब ऑकवर्ड लगता है सोचने में। अगर आप 98% मान लीजिए क्रिश्चियन की आबादी है, वो माइनॉरिटी है, 2% वाला मेजोरिटी है, मीन्स क्या लॉजिक है ना? तो बहुत जगह हमें चीजें सही करने की जरूरत है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, ग्रीड, सेक्स, ये सब देखने के बजाय। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए ये काफी अच्छी न्यूज है कि इंडिया में जो कोल प्रोडक्शन है उसमें 8% का राइज हुआ है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। पहले जो है आपका
205 मिलियन टन्स था इस क्वार्टर में, अप्रैल टू जून में। इस बार जो है वो 222.93 मिलियन टन्स है, तो 8% के अराउंड बढ़ा है। प्लस जो कोल का स्टॉक है वो 37% के अराउंड बढ़ा है, क्योंकि हमें पता ही था पिछले साल काफी ज्यादा शॉर्टेज आ रही थी। आपने न्यूज सुनी होगी कि काफी शॉर्टेज हो गई है, मे भी बिजली जा सकती है और बाकी इश्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए इस बार जो है स्टोरेज में है इतना ज्यादा बढ़ाया गया। तो एक अच्छी चीज है कि हमारे पास जैसे स्टोरेज रहता है तो ये इश्यू नहीं होता कि फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, एटलीस्ट 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ ऐसे के स्टॉक जो है हमारे पास ऑलरेडी होता है। ठीक है, चलिए अब एक अगला न्यूज है कि जो 2000 के जो नोट्स है, ये क्या हुआ था मई 19 में, इसे क्या कह दिया गया था, विड्रॉ कर दिया गया था। ठीक है, कि अब ये मेन सर्कुलेशन में नहीं होंगे अप टू अ स्पेसिफिक डेट, आई गेस 30 सितंबर है या ऐसी कुछ है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो तब तक जो है आपके ये नोट्स वैलिड है मार्केट में, उसके बाद नहीं रहेंगे। तो इनका वही बोलना है कि 76% जो 2000 के नोट है वो वापस आ गए हैं डिपॉजिट के फॉर्म। ठीक है, और ये जो इनका वॉर चल ही रहा है इस पर तो मैंने एक वीडियो अलग से बनाया, प्लीज जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ ये बोलना है कि 37 स्क्वायर किलोमीटर जो है यूक्रेन ने वापस ले लिया है, रिकैप्चर कर लिया है रशिया से। ठीक है, अब ये देखिए, एक है आईएमएफ पे, जो आईएमएफ ने जो पाकिस्तान को लोन दिया है $3 बिलियन का। ठीक है, वो कैसे कि अगले 9 मंथ में $3 बिलियन उनको मिल जाएंगे, उन्हें से पार्ट पार्ट में, लाइक मान लीजिए 1 1 1 बिलियन करके दे रहे हैं जैसे भी दे, तो इसके बाद जो है टोटल लगभग $8.2 बिलियन का लोन हो गया है। एंड इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट आईएमएफ बोरोवर इन एशियन रीजन, तो पूरे एशिया में सबसे ज्यादा जो मतलब भीख मांग मांग के जी रहे हैं। ठीक है, वो कौन है, पाकिस्तान वाले, बस वो टेररिस्ट स्पॉन्सर करना है, यही सब चीजें जरूरी है। तो एक बर्बाद मुल्क की निशानी है, बाकी किस्मत वाले हैं बांग्लादेश जो अलग हो गए थे और जिसमें भारत ने बहुत बड़ा सहयोग किया था। तो अब मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि अब बलूचिस्तान को भी अलग करने का वक्त आ गया है, बहुत पास है, क्योंकि तभी वो बलूचिस्तान का एरिया भी जो डेवलप हो पाएगा। जिस तरीके से बांग्लादेश डेवलप हुआ है। चलिए, अब अगली न्यूज ये है कि काफी बड़ा हादसा जो हुआ था भुवनेश्वर में ट्रेन ट्रेन क्रैश पे, उसी पे एक प्रॉपर डिटेल एनालिसिस है, वो हम आगे देखेंगे। देखिए, और ये थोड़ी पॉजिटिव न्यूज आई है कि जो कुकी ट्राइब है उसने अब हाईवे ब्लॉकेज हटा दिया है ऑफिशियल से बात करने के बाद, और अब एटलीस्ट वहां पे अब स्कूल रीओपन हो जाएंगे 5 तारीख से, मीन्स कल से, और फार्मर्स भी जो है उनको प्रोटेक्शन मिल गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वहां पे अब सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, तो ये एक अच्छी बात है। सेम ये आर्टिकल बोल रहा है कि सिचुएशन इंप्रूविंग इन मणिपुर, दाओ स्लोली, लेकिन हो रहा है स्टेट टिल सुप्रीम कोर्ट। ओके, ठीक है, यहाँ पे 370 आर्टिकल की प्लेट पे बात हो रही है, तो हमें पता ही है किससे रिलेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये जो है काफी एक दर्दनाक हादसा था, जहां पे आपने देखा ही है 3 ट्रेन आपस में टकरा गए थे। तो इसी पे बात चल रही है कि कहीं ना कहीं सर्किट रिलेटेड इशू था कि सिग्नल सही नहीं किया, जिसे ह्यूमन रिलेटेड इशू भी कहा जा सकता है, कि जो वहां पे आपकी स्टेशन मास्टर थे वो और बाकी कुछ स्टाफ, उन्होंने उतने अच्छे से काम नहीं किया जिसके कारण ये हुआ। देखिए, इशू क्या होता है कि लाइक मेरे जो पापा है वो भी स्टेशन मास्टर है और वो भी काफी सालों से वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पहले सिंगल लाइन हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ सिंगल लाइन हुआ करती थी, हर स्टेशन पे एक स्टेशन मास्टर होता था, फिर डबल लाइन आई, फिर भी वहां पे एक ही स्टेशन मास्टर, फिर ट्रिपल लाइन अब हो गई है, फिर भी अभी अब 99% स्टेशन में देखिएगा तो भी सिंगल ही स्टेशन मास्टर, इतने सारे वर्किंग बढ़ गए हैं। वो भी एक चांस हो जाता है कि एटलीस्ट जब हम गवर्नमेंट का काम है कि यहाँ पे सिक्योरिटी करना है, इट्स ओवरऑल फेल्योर कि गवर्नमेंट अगर टैंक ला रहा है, एयरक्राफ्ट ला रहा है कि हमारी सिक्योरिटी रहे देश की, कोई हम पे वॉर ना करे,
तो अगर ऐसे कंडीशन के लिए भी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि एक इंसान ही क्यों नहीं वहां पे पैनल सिग्नल संभालने के लिए दे देते हैं, एक बाकी काम करे और बाकी जब भाई जहां पे 3 लाइन है तो पर लाइन पे आप एक इंसान दीजिए। बट गवर्नमेंट क्या कर रही है, पोस्ट कम करते चली जा रही है, जहां प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए वहां प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो ये जो है गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी लापरवाही और गलती है जिसपे वो ध्यान नहीं दे रहे। एटलीस्ट जहां पे सिक्योरिटी की बात आती है वहां पे तो आपको लोग बढ़ाने ही पड़ेंगे, वहां से आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो अभी करंट गवर्नमेंट है ये ऐसा इतना बड़ा हादसा काफी सालों से नहीं हुआ था, बट लेकिन ये बहुत बड़ा फेल्योर है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट फेल्योर है, जो इसमें कम से कम 1,000 लोग के आसपास काफी बुरी तरह से जख्मी हुए थे, लगभग 300 के आसपास लोग जो है मारे गए थे। ठीक है, ये यहीं पे कुछ डेटा है, और कुछ लोग तो पहचान ही नहीं कर पाए कि ये कौन है, लाइक डेड बॉडी तक पहचान में नहीं आ पाई, तो काफी ज्यादा दर्दनाक सिचुएशन थे। तो उसी पे रिपोर्ट आई है, तो उसी पे ये आर्टिकल है कि ब्लेम किया जा रहा है सिग्नल डिपार्टमेंट। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए, पाक रजिस्टर 79% स्पाइक इन अटैक, वहां महंगाई, लोन, बेरोजगारी और ये साथ में, ये तो सबसे अच्छा डबल डिजिट ग्रोथ कहाँ हो रही है इनकी, टेरर में। ये बाकी देश में क्या टेरर करेंगे, यहीं पर टैक्स होते रहते हैं। सांप पालिएगा तो उसके बाद क्या होगा, डसेगा ही। ठीक है, कि एक इसराइल ने वेस्ट बैंक पे ड्रोन से हमला किया जहां पे 8 लोगों की जान गई। तो ये इसराइल और इनका क्या इशू है, इस पे भी मैंने एक अलग से ही वीडियो बनाया है। और वो जो प्रीवियस, देखिए मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो कंप्लीट नहीं देखते हैं न्यूज़पेपर, तो प्लीज देखें कंप्लीट, तभी आपका प्रॉपर नॉलेज यहाँ पे हो पाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में हल्की ईज आई है, हल्का सा अभी जो है सुधार हुआ है, तो उसी पे आर्टिकल, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, 76% जो है वापस आ गए हैं नोट्स। ठीक है, आज इंडिया और कुवैत का मैच है, ये जरूर देखिएगा। यूएसए के जो नेटो है उसके साथ मिली हुई है, ओके, ये जितनी भी कंट्री हो गई, नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया, पोलैंड हो गया। अब नेटो कंट्री का क्या कहना है, ये जितनी भी कंट्रीज हैं यहाँ पे नेटो मेंबर है, और ये जो सीकिंग टू ज्वाइन, ये सब ज्वाइन करना चाह रही थी, यूक्रेन, जॉर्जिया, क्रोएशिया एंड ऑल। अब नेटो का क्या कहना है कि हम जो है ये सिक्योरिटी अलायंस के लिए बना रहे हैं। ठीक है, अब अगर हमारी नेटो कंट्रीज जो है, ये अराउंड 33 कंट्रीज हैं, आप एक गूगल करके चेक जरूर करिएगा, अराउंड 33 कंट्रीज हैं, जिसमें कि 31 जो है आपकी यूरोपियन कंट्रीज है और 2 आपकी अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से 2 कंट्रीज। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि कोई भी अगर हम पर हमला करता है तो हम ये मानेंगे, या मान लीजिए किसी नेटो मेंबर की किसी भी कंट्री पे हमला कर दिया, जर्मनी पे कर दिया, पोलैंड, तो हम मानेंगे कि आपने नेटो पे हमला किया है, तो फिर हम सब मिलकर आप पे हमला कर सकते। आप सोचिए कितनी खतरनाक बात है, जस्ट वेट करिएगा। खतरनाक बात क्यों है कि अगर सपोज करिए कि इनमें से किसी को एक कंट्री के साथ वॉर करना, ठीक है सपोज, और इन्होंने नेटो बेसिकली जो बनाई थी वो रशिया के लिए बनाई थी, रशिया को कंट्रोल करने के लिए, उसमें प्रेशर डालने। अब ये है कि अगर मान लीजिए पोलैंड छोटी सी कंट्री है, रशिया को प्रोवोक कर रहा है, ठीक है, तो अब रशिया के सामने अब ये इश्यू हो जाएगा कि अगर मैंने पोलैंड पे अगर अटैक कर दिया तो पूरी कंट्री मिलके मुझ पर अटैक करेगी। ठीक है, अब यूक्रेन भी जो है इसका पार्ट बनना चाह रहा था। अब अगर यूक्रेन इसका पार्ट बन जाता तो ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, यूक्रेन हैज बिकम द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन वाशिंगटन एंड मॉस्को। वाशिंगटन तो उतने दूर है, बट यहां तक उनका इम्पैक्ट रहता है। क्यों? क्योंकि जहां पर भी इन्होंने जुन्ने साइन कर लिया है तो वहां पर नेटो के मिलिट्री फोर्सेस वहां पर रह सकते। आप सोचिए अमेरिका के नेटो के जो फोर्सेस है वो यहां पर होते, ये बॉर्डर पे, और ये आपका रशिया ही है।
यहाँ पे भी नेटो है, यहाँ भी नेटो है, टर्की इधर भी नेटो है, तो पूरे तरीके से घेर लिया गया। अब इनका ये कहना था रशिया का कि देखिए क्या 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 पॉइंट्स कहने, और बहुत जेन्यून पॉइंट्स कहने, तब आपको समझ में आएगा कि इंडिया ने डायरेक्ट बायकॉट क्यों नहीं किया रशिया को, क्योंकि उन्हें पता है कि ये यूएसए की चाल है, यूएसए ही मरवाता है और सब कुछ यूएसए ही करता है। क्योंकि जब अब वो अभी भी जो इतने आर्म्स जो मिल रहे हैं यूक्रेन को, कहाँ से आ रहे हैं? सब यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वही प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए कि रशिया वांट्स दी वेस्ट टू कीप यूक्रेन एंड अदर फॉर्मर सोवियत नेशन आउट ऑफ नेटो। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है रशिया से ही टूट के यूक्रेन और ये सब बने हैं, ठीक है, जॉर्जिया सब ये सब वहीं से टूट के बने, तो ये चाह रहे थे कि अब नेटो से दूर रहे। ऑब्वियस सी बात है, ये नेटो रशिया के अगेंस्ट ही बना है और आप यहीं से टूटे हैं, आप इसी के साथ मिलकर बन रहे हैं, तो आप कितने क्लोज हमारे आ जा रहे हैं। अब इसको मैं ऐसे फील कराता हूं, आपको और अच्छे से फील होगा। ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत। अब पाकिस्तान जो है यहीं से टूट के बना हुआ, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहां पर ये नेटो कंट्रीज जो है ये इंडिया के अगेंस्ट बनाया हुआ होता और यहां पे बोल दिया जाता कि अच्छा पाकिस्तान तुम भी ज्वाइन कर लो हमें, तो पूरी नेटो अमेरिका की फौज यहाँ पे इस बॉर्डर पर, आप सोचिए। तो ये रशिया है मॉस्को, ये यही है रशिया यहाँ पर मॉस्को, ये रहा यूक्रेन। अब यहाँ पे अगर अमेरिका की फौज रहेगी और यहीं पे ये, कितना ज्यादा प्रेशर होगा साइकोलॉजिकली भी, और आपने पूरा ये एरिया भी अपना कैप्चर किया हुआ है। वही जब मैंने आपको जैसे पाकिस्तान से एग्जांपल दिया, तो आपको वो चीज प्रॉपर फील हुई होगी कि अगर ऐसा कोई करे तो ऑब्वियस सी बात है वॉर ही हो जाए इंडिया और इसमें पाकिस्तान में भी, तो यही सिचुएशन कहीं ना कहीं यहां पर हो गई थी। ठीक है, इसके बाद जो है अब यूक्रेन नेटो ज्वाइन करना चाह रहा था और ऑब्वियस बात रशिया मना कर रहा है। देखिए रशिया ने हमेशा मना किया है, ऐसा ही नहीं है कि एक दिन में वॉर हो गया। आप क्यों प्रोवोक कर रहे हो किसी को इतना, और क्या जरूरत है नेटो ज्वाइन करने की? मैं कहीं ना कहीं कि हाँ वहीं से आप वेपन्स लेके आप फिर दुश्मन ही बन रहे हो। अगर पाकिस्तान, अगर मान लीजिए ऐसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाए और वो उस पे ज्वाइन करे, क्या जरूरत है ज्वाइन करने की? करेक्ट, क्या जरूरत है ज्वाइन करने की? मतलब वो ज्वाइन करना चाह रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो हमें हार्म करना चाह रहा है, हमारे बार बार समझाने पे। अब देखिए, इफ यूक्रेन ज्वाइंस नेटो इट इज एलिजिबल टू गेट सपोर्ट फ्रॉम ग्रुप मेंबर इन केस ऑफ एक्सटर्नल अटैक। अभी अगर ये तो इसे सीकिंग टू ज्वाइन था, अगर मान लीजिए ज्वाइन कर लेता, अब रशिया ने अभी वॉर क्यों कर दिया कि अगर ये ज्वाइन कर ले तब अगर मैं इस पे वॉर करूंगा तो सारी कंट्री एक साथ टूट जाएगी। तो ये जो लोग बोल रहे हैं कि रशिया वॉर करना चाहता है वर्ल्ड के साथ, ये गलत है। रशिया तो वॉर से बचना चाह रहा है, आप समझ रहे हैं, वॉर तो ये यूएसए करवाना चाह रहा है, और यूएसए की एक तरीका हमेशा से रहा है कि अपने टेरिटरी पे कुछ बॉम्बार्डमेंट या ये नहीं होने देता है, चाहे वर्ल्ड वॉर वन हो चाहे वर्ल्ड वॉर टू हो, आपने नोटिस किया होगा सब यही सब लड़ते हैं और यूएसए और अमीर होते चले जाता है। अब सोचिए, बहुत सोचने वाली बात है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री की भी बात है। ठीक है, इसके बाद रशिया बिलीव्स यूक्रेन कुड अटेम्प्ट टू टेक बैक क्रीमिया। ऑब्वियस ही बात है कि जो क्रीमिया अभी रशिया के पास है, टूट के इसी से बना था, तो इस जगह पे कैप्चर किया हुआ था ये क्रीमिया है, तो वो वापस लेना चाहेगा। अब आप सोचिए, अगर नेटो ही टाइप के सिचुएशन होती, नेटो पाकिस्तान अगर ज्वाइन किया होता, वो इंडिया के अगेंस्ट होता, तो हमें ये भी डर होता, अरे वो तो कश्मीर कश्मीर वैसे ही चिल्लाते रहते हैं, वो पूरा अटैक करके पूरा कश्मीर ही ले लेंगे। आप समझ रहे हैं, अभी आपको सीवियरिटी समझ में आ रही होगी रशिया के साथ हो रहा है। हेंस रशिया डिमांड द वेस्ट टू स्टे आउट ऑफ यूक्रेन। वो वेस्ट को भी बोल रहा है आप दूर रहे, अब भाई आप क्यों नहीं दूर हो रहे? आप समझ रहे हैं इस बात को? इसके बाद मोर ओवर आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन रशिया लॉस्ट कंट्रोल ओवर 14 फॉर्मर रिपब्लिक इंक्लूडिंग यूक्रेन। इसी यूक्रेन है, जॉर्जिया है, 14 अलग अलग देशों में टुकड़े हुए थे सोवियत यूनियन का जब रशिया अलग हुआ। तो अब वो अगर वही सारे 14 जो है उनकी पेरीफेरी में ही होंगे, ऑब्वियस ही बात है, तो वो अगर नेटो को ज्वाइन कर ले तो सोवरेनिटी भी खतरे में आ जाती है कंट्री की, सिक्योरिटी भी खतरे में आ जाती है। तो यही एक मेन रीजन था जिसके कारण ये सब कुछ हुआ। ठीक है, बस पुतिन क्या चाह रहे थे,
कि बोथ कंट्री जो है पुतिन कंसीडर्ड दिस एज ए ट्रेजिक एज बोथ कंट्री शेयर्ड अ सिंगल हिस्टोरिक एंड स्पिरिचुअल स्पेस। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आपने एक हिस्टोरिक और स्पिरिचुअल स्पेस एक हमारा मतलब इस कंट्री के बीच में हमेशा रहा होगा इनका। अब आप एकदम से यूएस के इन्फ्लुएंस में जाके आप वो भी तबाह कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इतना ही दिक्कत होती तो कभी रशिया अलग ही नहीं होने देता यूक्रेन को। जब अलग होने दिए तो आप इतने अलग मत हो जाओ। जैसे भी बांग्लादेश से इंडिया का रिलेशन ठीक है, तो वो ही पाकिस्तान के साथ होता तो इतने इश्यूज तो नहीं होते कम से कम, ठीक है। पहले तो आप धर्म के नाम पे तोड़ो देश को, फिर उसके बाद भी आप आतंक फैलाते जाओ, तो एक तो आप अपने धर्म को बदनाम कर रहे हो, है ना। ये तो आप अपने धर्म को भी बदनाम कर रहे हो कि जब आप बोलते हो, जब बम फोड़ रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, वहां पे अल्लाह का नाम ले रहे हो, तो ये भी बहुत गलत चीज है कि बदनाम कौन हो रहे हैं, अल्लाह हो रहे हैं। और भगवान को बचाने के लिए इंसान निकला है, मुझे तो आज तक समझ नहीं आता है। तो आप बिल्कुल, आप चाहें तो इस पे कमेंट कर सकते हैं, बट मेरा यही कहना है कि सब शांति से रहे, अच्छे से रहे, आप ये सब की राजनीति ना करें। इसके बाद, रशियन प्रेसिडेंट डिमांड्स गारंटी फ्रॉम द वेस्ट एंड यूक्रेन दैट इट विल नॉट ज्वाइन नेटो। अब कौन सी बड़ी बात है, सिर्फ उन्होंने इतना ही तो बोला था कि नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे, वैसे भी सीकिंग टू ज्वाइन था, हाँ ठीक है नहीं ज्वाइन करेंगे, इतना बोले थे, इतना बड़ा युद्ध हट जाता, बट यूएस को तो कुछ और ही चाहिए था, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया भाई प्रॉपर इंटरनेशनल रिलेशन, इसलिए मैंने नीचे के ये भी मैप रखा ताकि आपको समझ में आए कि अगर ऐसे आसपास की कंट्रीज जो है ऑलरेडी मान लीजिए इन्फ्लुएंस में है नेटो के, अब पास पास की कंट्री सारी ये तिब्बत सब घेरने लगी नीचे से श्रीलंका, तो भाई कैसा फील होगा। हम तो बस एक चाइना का सोचते हैं, तब हमें लगता है कि अरे बस बस चाइना का सोचते हुए श्रीलंका के पास हम्बनटोटा एयरपोर्ट बना लिया है, वो यहां से हमें घेरना चाह रहे हैं, सिर्फ एक कंट्री से हमें इतना ज्यादा प्रेशर फील होने लगता है। अब सोचिए जब इतने मेजर बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं वो रशिया पे इस तरीके से प्रेशर डाल रहे होंगे, तो उसी का ये रिएक्शन है। इसलिए कुछ लोग बोल रहे हैं शायद ही कहीं ना कहीं होना जरूरी था, ताकि जो बाकी कंट्रीज है ये समझे कि रशिया कैन इन्वेड, वो बार बार रोक रहा है बोल रहा है, तो उन्हें लगता है ना कि वैल्यू नहीं होती है जब आप इंसान वो प्यार से समझा रहा होता, तो इसीलिए ये चीजें हुई हैं।